हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि घर बैठे अपने मोबाइल फोन से कैसे पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक कर सकते हो। तो आपको ब्राउजर में जाना होगा। क्रोम ब्राउजर में जाके ई फाइलिंग सर्च करना पड़ेगा। ई फाइलिंग सर्च करने के बाद आपको फर्स्ट में जो ऑप्शन मिला है होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वहाँ क्लिक करना होगा। वहाँ क्लिक करने के बाद आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। वेबसाइट ओपन होने के बाद उधर बहुत सारा ऑप्शन है, तो आपको सिलेक्ट करना है लिंक आधार। दो नंबर ऑप्शन में क्लिक करना है आपको। तो ये लिंक आधार में क्लिक करना है आपको। लिंक आधार में क्लिक करने के बाद नेटवर्क थोड़ा स्लो है, तो फाइनली पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक का फॉर्म ओपन हो गया। तो यह चार स्टेप दिया गया है। तो फर्स्ट में आपको पैन कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा, सेकंड में आधार कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा, और थर्ड में आपको आधार कार्ड में जो नाम है वही डालना है, फोर्थ में फोन नंबर जो आधार कार्ड के साथ लिंक है। तो मेरा डिटेल्स जल्दी से मैं फिल कर लेता हूँ। तो फिल करने के बाद आपको नीचे दो बॉक्स मिलेगा टिक करने के लिए। तो फर्स्ट वाला में आई हैव ओनली इयर्स ऑफ बर्थ इन अदर कार्ड, आपका अदर कार्ड में सिर्फ इयर्स है तो वो टिक करना है, और फुल बर्थ है तो वो नहीं टिक करना है। और नीचे दिया है आपका अदर कार्ड में जो एड्रेस दिया है वो टिक है तो उसमें टिक करना है। तो टिक करने के बाद नीचे लिंक आधार में क्लिक करना है आपको। लिंक आधार में क्लिक करने के बाद आपको ओटीपी वेरिफिकेशन करेगा जो आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है, मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड के साथ लिंक है मोबाइल नंबर, उसमें ओटीपी आएगा, वो ओटीपी फिल करना पड़ेगा आपको। तो ओटीपी आ गया मेरा, तो ओटीपी फिल कर लेता हूँ। तो ओटीपी फिल करने के बाद आपको वैलिडेट में क्लिक करना है। तो बस इतना ही, लिंक आधार मैसेज आपका हो गया। ऐसे ही बस सिंपल तरीके से आप घर बैठे मोबाइल से आराम से कर सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं, आराम से आप घर बैठे कर सकते हो बस। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।